महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ जहां सत्ता पाने की लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत से काम किए जा रहे हैं जो कि जनहित में हैं। जी हां, कल मलाड पूर्व दिंडोशी मेट्रो स्टेशन के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के अवसर पर जननायक सुभाष चंद्र बोस और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा मुखर्जी चौक का उद्घाटन किया गया। चौक का उद्घाटन बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के द्वारा किया गया। इस उद्घाटन समारोह में बीजेपी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार, उत्तर मुंबई बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, बीजेपी उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष गणेश खानकर, बीजेपी मुंबई महासचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा और नगर सेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा उपस्थित थी। इस मौके पर मेट्रो मुंबई ने उपस्थित बीजेपी के सभी पदाधिकारियों से बात की और मेट्रो मुंबई के संवाददाता ने सांसद गोपाल शेट्टी से पूछा कि पुणे में पाकिस्तान के नारे लगाए गए, तो इस सवाल का जवाब देते हुए सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि जो लोग इस देश के खिलाफ नारे लगाते हैं उन्हें कुचल देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे शुभ दिन पर ऐसे लोगों की बात ना करें तो ही अच्छा है। जिनके विचारों से कुछ लोगों ने राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया, बहुत लंबे समय तक मुंबई और महाराष्ट्र में राजनीति की, ऐसे लोगों के सहयोग से आज भी अगर महाराष्ट्र में मुसलमान जिन्होंने इस देश के ऊपर आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश के लोगों को हैरान परेशान किया, उनके बारे में अगर नारे अच्छे उनके मुख से लगते होंगे, तो ऐसे मानसिकता के लोगों को कुचलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार के लोग होना चाहिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार के लोग होने चाहिए, पंडित दीनदयाल जी के विचार के लोग होने चाहिए, और इसलिए आने वाली पीढ़ी इस प्रकार के विचार के लोगों का निर्माण हो, इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। मैं मानता हूं कि जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित दीनदयाल जी के चौक का लोकार्पण कर रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं, ऐसे समय पर पाकिस्तान और कुछ दुष्ट नीचे विचार के मुस्लिम समाज के लोगों का नाम लेना, ये पाप, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके बाद जिला अध्यक्ष गणेश खानकर ने भी मेट्रो मुंबई से बात करते हुए इस चौक के उद्घाटन की पूरे सफर को साझा किया है। अब यहाँ जो स्मारक बना है या इससे पहले जो स्मारक बने थे, अब स्वाभाविक रूप से जब यह मेट्रो स्टेशन नहीं था तब वे बनाए गए, जब मेट्रो स्टेशन बना उसके बाद में भी जिस तरह की दिक्कतें ज्ञानमूर्ति जी को आई, लेकिन उसके बावजूद ज्ञानमूर्ति जी ने, भाभी जी ने जो संघर्ष किया और उन्हें फिर से स्थापित किया, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन भी करता हूँ। महासचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा ने चौक बनाने के पूरे संघर्ष को साझा किया और ये कहा कि हमें इस चौक को बनाने में इतना संघर्ष करना पड़ा, सोचिए इन वीरों ने तो हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई है, इन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। देखिए, फील तो यही लगता है, जब हम लोग इस चौक के लिए संघर्ष कर रहे थे तब हमें ये लग रहा था कि हम तो एक छोटी सी बात के लिए जब इतना संघर्ष कर रहे हैं तो वो बलिदानी कितना संघर्ष किए होंगे अंग्रेजों से इस देश को गुलामी से छुड़ाने में। हमको यह कंपैरिजन दिख रहा था, हमें यह तुलना दिख रही थी कि उन्होंने कितने यातना सही होगी, कितना बलिदान दिया लोगों ने मिल करके, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। इस मौके पर मेट्रो मुंबई से बात करते हुए नगर सेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा ने कहा कि अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। आशीष सेलार जी ने एक बार ठान लिया और फिर ये कर दिखाया। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मेरे रहते हुए ये काम पूरा हुआ है। चौक तो 2012 में ही बन गया था, लेकिन MMRDA ने लिख के दिया कि एक चौक वापस बनाया जाएगा, लेकिन बाद में वो मुकर गए क्योंकि उस सप्ताह हमारी नहीं थी, शायद इसलिए मुकर गए, जैसे आशीष सेलार जी ने बोला कि उन लोग की मकसद ही यही है कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन बना, बोले ना मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। तो हाँ, शर्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी संघर्ष, इनके जीवन में संघर्ष लिखा है और वे संघर्ष करके ही जीतते हैं, तो इसलिए संघर्ष करके इन्होंने जीता और मैं नसीबदार हूँ कि मेरे रहते हुए दोनों चौक का उद्घाटन हुआ। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।